दोस्तों पार्ट वन में हमने बूढ़ानाथ मंदिर के बाहर के हिस्सों को देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हे गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल ऑन टच पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं बूढ़ानाथ मंदिर के अंदर और चलकर देखते हैं कैसा है मंदिर। यहाँ के शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में हुई थी। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले महंत बलवानंद गिरी की खोज तक शिवलिंग भूमि के अंदर रहा था। दोस्तों अब हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे विश्राम स्थल है, यहाँ पे कुछ मंदिरें हैं, बाद में आके वापस से हम लोग इसको देखेंगे। दोस्तों अब आप बाबा बूढ़ेनाथ और माँ भवानी का मंदिर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए अब प्राचीन और गौरवशाली बाबा बूढ़ेनाथ मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर से हम मंदिर को देखेंगे। हम अंदर आ पहुंचे हैं और सामने शिव जी विराजमान हैं। दीवालों पर हनुमान चालीसा लिखा गया है। दीवाल पर यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के तस्वीर लगाए गए हैं। यहाँ पे हनुमान जी और विष्णु जी का मूर्ति लगाया गया है, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। देखिए मंदिर की बनावट बहुत ही पुराने कारीगरी की है। पिलर्स बहुत ही मोटे दिए गए हैं। पिलर्स के आगे के डिजाइन्स बहुत पुराने हैं पर काफी खूबसूरत दिख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, सामने शिव जी विराजमान हैं। ये मंदिर के बहुत ही पुराने पुजारी हैं, इनसे हम बाद में बात करेंगे। चलिए अब हम शिव मंदिर के अंदर चलते हैं। जय भोलेनाथ। देखिए यहाँ पे भक्तजन पूजा कर रहे हैं। मंदिर के अंदर की बनावट भी पुरानी है, यहाँ पे डिजाइन्स भी पुराने ही दिख रहे हैं लेकिन सुंदर है। चलिए अब हम बाबा बृहदेश्वर नाथ का दर्शन करते हैं। भक्तजन यहाँ पे पूजा जलार्पण आराधना कर रहे हैं। दोस्तों अब आप बाबा भोलेनाथ का करीब से दर्शन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। शिव मंदिर में ही मां पार्वती मैया की मूर्ति विराजमान है, आप दर्शन कर सकते हैं। यहां पर ही गणेश जी की भी मूर्ति विराजमान है। भक्त जन शिव जी की आरती कर रहे हैं। शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी और विष्णु भगवान की प्रतिमा है। इस बोर्ड पर दिन नक्षत्र की जानकारी लिखी जाती है। यहाँ पर हवन की सामग्री रखी हुई है। तो चलिए अब हम प्रधान पुजारी से बात करते हैं। मेरा नाम है ऐसे पुराना पुजारी का प्रधान बाबा बूढ़ानाथ नाम है, परंतु प्राचीन नाम विजेश्वर महादेव कहकर पुकारते हैं। उसका उल्टा बूढ़ानाथ को कहते हैं, विजेश्वरनाथ कहते हैं। और जाति बड़ा श्रद्धा प्रेम के साथ पूजा करते हैं, उनकी सफलता प्राप्त करते हैं। राम अवतार में राम लक्ष्मण और वशिष्ठ मुनि के लिए पूजा की है। इसका वर्णन शिव पुराण का है। दोस्तों चलिए माँ भवानी के मंदिर में चलते हैं और देखिए यहाँ पे फर्श पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, दीवालों में प्लास्टिक पेंट लगाया गया है, सीलिंग पे फॉल्स सीलिंग लगाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखिए मंदिर के अंदर के दीवालों में भी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, छत पर फॉल सीलिंग लगाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। लाइट्स इसके इस खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। अब आप माँ भवानी का दर्शन कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये मुंगेर की चंडी माँ है जो कि नदी के रास्ते यहाँ पहुंची है। दोस्तों अब हम माँ भवानी के मंदिर और शिव जी के मंदिर के बीच के गली से होकर जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। और यहाँ पे आगे बाईं ओर एक मंदिर है, तो चलिए अब हम मंदिर में चलते हैं और देखते हैं मंदिर के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। यह मंदिर माँ गंगा के तट पर स्थित है। माँ गंगा के दूसरी ओर एक बहुत ही बेहतरीन सा पार्क है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। दोस्तों अब हम शिव पार्वती के मंदिर से होते हुए बूढ़ानाथ मंदिर के पिछले हिस्से में चलेंगे और देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप राधा कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं।
चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे भैरव मंदिर है और भैरव मंदिर के अंदर चलते हैं और बाबा भैरवनाथ का हम दर्शन करते हैं। यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, तो अब हम मंदिर के पिछले हिस्से में चलते हैं कॉरिडोर से होते हुए। दोस्तों अब आप भोलानाथ मंदिर के पिछले हिस्से को देख पा रहे हैं जो कि काफी बड़ा दिख रहा है और सुंदर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हवन आदि के लिए एक हवन कुंड स्थल बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग हवन कर रहे हैं। दोस्तों अब हम वापस आ पहुंचे हैं भोलानाथ मंदिर के सामने वाले स्थल पर, तो अब हम चलते हैं अंदर। अंदर कुछ मंदिरें हैं, वहां पे हम चलेंगे और वहां पे मूर्तियों का दर्शन करेंगे। यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता और हनुमान की मूर्ति लगाई गई है। अब आप सूर्य देव के मूर्ति को देख सकते हैं। देखिए माँ काली की मूर्ति है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें।